हेलो फ्रेंड्स, अमेजिंग होम बाय अमायरा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए, आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन लड्डू। बेसन लड्डू बनाने के लिए ये मैंने 1 कप बेसन लिया है, 1/2 कप काजू को पीस कर लिया है, 1 गिलास दूध, 1/2 कप गुड़ को ग्रेटेड करके लिया है, 2-3 इलायची को कूट कर लिया है, थोड़े से मगज के बीज लिए हैं और थोड़ी सी पिस्ता कतरन ली है गार्निशिंग के लिए। आइए आगे की रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक पैन लिया है और पैन के अंदर हम 2 टेबलस्पून घी लेंगे। घी को थोड़ा सा मेल्ट होने देते हैं। घी मेल्ट हो चुका है, अब हम इसके अंदर बेसन को डालकर रोस्ट करेंगे। फ्लेम हम लो टू मीडियम रखेंगे और बेसन को लगातार चलाते हुए अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए, बेसन जो है वो अच्छे से रोस्ट हो चुका है, इसमें से अच्छी खुशबू आ रही है और इसका कलर चेंज हो चुका है। फ्लेम हमने एकदम से लो कर ली है। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे। थोड़ा दूध हम इसके अंदर और ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर ये हमने जो काजू पाउडर लिया था वो भी ऐड कर लेते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, लड्डू के लिए डो रेडी हो चुका है। अभी हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको 5 मिनट के लिए ठंडा होने देते हैं। जब तक हमारा डो ठंडा हो रहा है तब तक हमने ये एक पैन लिया है और इसके अंदर 1 टेबलस्पून घी लिया है। अब हम इसके अंदर ये गुड़ डालकर मेल्ट करेंगे और इसके अंदर ये देखिए, मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी लिया है, बिल्कुल थोड़ा सा पानी मैंने इसके अंदर ऐड किया है। इसको मेल्ट होने देते हैं। ये देखिए, गुड़ का सिरप बनकर एकदम से रेडी है, ये अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसे 2-4 मिनट के लिए ठंडा होने देते हैं। ये डो हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है, इसे हम बाउल में निकाल के ले लेते हैं। और ये हमारा शुगर सिरप भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब ये एक बड़ी छलनी की मदद से हम इसे छान कर ले लेंगे। अगर इसमें थोड़ा बहुत कचरा होगा तो वो इसी में छलनी में रह जाएगा। ये गुड़ के सिरप को हमने छान कर ले लिया है और अब हम इसके अंदर ये मगज के बीज, कुटी हुई इलायची डाल ली है हमने। अब हम इसे अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे। ये हमने सारे मिश्रण को अच्छे से मिक्स करके ले लिया है। अब हम इसके लड्डू बनाकर तैयार कर लेते हैं। लड्डू बनाने से पहले हम हाथ पर थोड़ा सा घी लेंगे और इसको अच्छे से मसल लेंगे। अब हम इस बैटर में से थोड़ा थोड़ा बैटर उठाएंगे और लड्डू की शेप देकर लड्डू रेडी कर लेंगे।
ये देखिए हमारे परफेक्ट लड्डू बनकर रेडी है। लड्डू आप किसी भी साइज के बना सकते हैं। अब इसी तरह से हम सारे लड्डू बनाकर फटाफट रेडी कर लेते हैं। ये देखिए हमने सारे बेसन के लड्डू बनाकर रेडी कर लिए हैं। और अब ये मैंने पिस्ता कतरन ली है, पिस्ता कतरन से हम इनकी गार्निशिंग कर देंगे। साथ में बाहर से पटाखों की आवाज भी आ रही है। और ये पिस्ता कतरन से हमने बेसन लड्डू की गार्निशिंग कर ली है। बहुत ही टेस्टी लड्डू बनकर हमारे रेडी है। आप इन्हें बनाइए, खाइए और मुझे बताइए कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आप भी इस दिवाली घर की बनी मिठाई से घर वालों का मुंह मीठा करवाइए। हैप्पी दिवाली टू ऑल। थैंक यू।